Assalamu alaikum. I welcome you to the third session of Islamic World Order. और हम हमेशा की तरह हमारे साथ ओवैस नसीर मौजूद हैं और आज हम फिर से उनसे बहुत सारे सवाल करेंगे. सो आज का पहला सवाल इज़ इम्पेरेटिव, क्योंकि हमेशा से हमारे अबाओ अजदाद से हमने ये सुना है कि बेटा दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलो. सो जब हम कहते हैं दीन और दुनिया साथ लेके चलने को, तो वी हैव टू क्रिएट अ बैलेंस. बाज़ारें ये कहना तो बहुत आसान है कि हमने साथ लेके चलना है, लेकिन व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन. सो ये समझने के लिए हम अवैस नसीर से पूछते हैं कि दीन में क्या चीज़ें लेके चलनी है और दुनिया में क्या चीज़ें लेके चलनी है. इस चीज़ को समझने के लिए हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से एक वाक्या मिलता है कि कुछ सहाबा उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की खिदमत में हाज़िर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात के बारे में दरियाफ़्त फरमाया, और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अब सारी रात जागा करूँगा और कभी नहीं सोऊँगा. दूसरे ने इरादा किया कि मैं हमेशा रोज़े से रहूँगा और कभी रोज़े का नागा नहीं करूँगा, और तीसरे ने इरादा किया कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा. जब ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंतुमुल लदीना कुल्तुम कज़ा व कज़ा अमा वल्लाहु इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि व अतक़ाकुम लह लाकिन्नी असूमु व उफ्तिर व उसल्ली व अरक़ुद व अतज़व्वजिन निसा फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी. कि तुम लोग ये बातें करते हो लेकिन मैं तुम लोगों में से सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन मैं कभी रोज़ा रखता भी हूँ और कभी रोज़ा छोड़ता भी हूँ, और नमाज पढ़ता भी हूँ और सोता भी हूँ, और शादियाँ करता भी हूँ. लिहाजा जिसने मेरी सुन्नत से मुँह फेरा वो मुझसे नहीं है. यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि दुनिया के मामलात भी करने हैं और इबादत भी करनी है, आखिरत की तैयारी भी करनी है, तो दुनिया और आखिरत को साथ लेकर चलने का ये मतलब है. दुनिया और आखिरत को साथ लेकर चलने का जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट मिल रहा है ना, कि तिजारत करनी है तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है, तिजारत अंबिया की सुन्नत है और वो तो करनी है रोज़ी कमाने के लिए, तो साथ झूठ भी मिला लेना है, तो ये दुनिया और आखिरत को मिलाना नहीं है, ये तो सच और झूठ को मिलाना है, ये तो खैर और शर को मिलाना है. दुनिया और आखिरत को मिलाने का मतलब ये है कि नमाज भी पढ़नी है, इबादत भी करनी है, कारोबार भी करना है, लेकिन कारोबार को 100% शरीयत के मुताबिक करना है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक करना है. कारोबार करना दुनियादारी हो गई और उसको दीन के मुताबिक करना दीनदारी हो गई. ये दो चीज़ें हमें मिला कर ऐसे चल रही हैं कि दुनिया के सारे काम अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक करने हैं. इस ये वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप दुनिया और आखिरत को साथ मिलाकर चलते हैं, ना कि खैर और शर को आपने साथ मिलाना है. वल्लाहु आलम.